बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर जेपी नड्डा ने प्रतिक्रिया दी है। बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द होने के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। धर्म के नाम पर आरक्षण गलत था, तो जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया, धर्म के नाम पर आरक्षण गलत, धार्मिक आरक्षण गैर संवैधानिक है। फैसले पर ममता की सहमति असहमति सही नहीं है। ममता तुष्टिकरण की राजनीति करती हैं, जेपी नड्डा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सब जानते हैं कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो मुस्लिम को ओबीसी का आरक्षण यानी ओबीसी कोटा सब कैटेगरी में जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स को दिया जा रहा था 2010 से लेकर के 2024 तक, उसको भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। ये दोनों ही जजमेंट्स, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकंस्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टिकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टिकरण की नीति, और तुष्टिकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है।